Good morning and welcome back. So today we are going to start with a new chapter of history, and this chapter name is New Kings and Kingdoms. So here we are going to talk about the new kings which emerged during this medieval period and new kingdoms that became very famous. So the first thing that you're going to see is this map. Many new dynasties emerged after the 17th century, which is shown in this map, you know, 7th to 12th centuries I'm talking about. So you can see this map and you can locate many things, you know, the Chahamanas, which is called as Chauhans later. You can see Gujara and Pratiharas. Okay, you can see Rashtrakuta and Pala dynasty. Okay, Rashtrakuta here. We can see the Cholas and the Cheras and the, you remember, the Pandyas that we already did in class 6. So this were the small dynasties and this were the big dynasties. जो बड़े वंश होते थे और ये जो छोटे वंश हैं, ये सारे देखने को मिलेंगे, राज और राज्य देखने को मिलेगा, बहुत सारे different चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, new dynasties which emerged during this period. Now the emergence of the new dynasty. By the 7th century, there were big landlords or the warriors, chiefs in the different regions of the subcontinent. Existing kings often acknowledged them as the subordinates or samantas. They were expected to bring gifts for their kings or overlord be present on the courts and provide them with military support. As Samanta gained power and the wealth, they declared themselves as Mahasamanta, Mahamandaleshwar, the lord of the circle or region, and so on. Sometimes they asserted their independence from their overlords. तो यहाँ पे हम लोग देखते थे जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे वो उनके पास बहुत सारा क्या कहते थे जमीन था, उनके पास बहुत सारे पैसे थे, तो ये धीरे धीरे करके और बढ़ने लगे. इनको राजा जैसा सम्मान मिल गया, महासमानता भी कहने लगे, और आसपास के जो राजा हैं और छोटे छोटे लैंड ओनर्स थे वो इनके लिए बहुत ही महंगे महंगे गिफ्ट भी लाते, एज यू नो टू प्रेजेंट देम विद गिफ्ट्स. ये सारी चीजें होने लगे एंड दे वर कॉल्ड द ग्रेट लॉर्ड सर्कल और रीजन. ये रीजन के राजा महाराजा के नाम से ये लोग जाना जाने लगा. ऑन सच इंस्टेंस दैट of the Rashtrakutas in Deccan, initially they were the subordinate of the Chalukyas of Karnataka. In mid 18th century, Danthidurg, a Rashtrakuta chief, overthrew his Chalukya overlord and performed a ritual called Hiranyagarbha, literally the golden womb. When the ritual was performed with the help of Brahmanas, it was thought to be led to the rebirth of the sacrificer as a Kshatriya, even if he is not by birth. यहाँ पे एक नया चीज होने लगा. जैसे बहुत सारे रिचुअल्स होते थे, आपको याद है एक अश्वमेधा रिचुअल पहले हम लोगों ने देखा था कि अपने घोड़े को छोड़ देते हैं, फिर वो इधर घूमते रहते, कहीं पे वो रोक दिया जाता तो उस रूलर के साथ इस रूलर का लड़ाई हो जाता, और अगर जिस रीजन से पास होने देते और वो घोड़ा घूम के वापस आ जाता, जो जो रीजन वो घूमता वो रीजन मार्क हो जाता इसी राजा के. यहाँ पे एक नया रीजन दिखा गया. जैसे राष्ट्रकूटा जो थे, राष्ट्रकूटा डेकन में जो हम लोगों ने मैप में देखा है, ये कौन था? ये पहले एक इतना बड़ा डायनेस्टी नहीं था, ये चालुक्य जो रूलर था कर्नाटक में उनके ही चीफ थे, मतलब उनके ही मिलिट्री के कोई हेड था, या फिर उनके सेनापति आप कह सकते हो, या फिर कोई चीफ आदमी, उसके बहुत खास आदमी थे. लेकिन राजा कौन बनता? सिर्फ क्षत्रिय होने से ही आपको राजा बन सकते थे. लेकिन ये जो राष्ट्रकूटा थे थोड़ी से नीची जाति का, या फिर ऊपर जाति का, दोनों चीज हो सकता था, या फिर नीचे जाति के या फिर ऊपर जाति के होते होना पड़ता आपको. लेकिन आपको बनना है क्षत्रिय क्योंकि आपको राजा का धर्म निभाना है, तो फिर ये रिचुअल फॉलो किया जाता जिसको कहते थे हिरण्यगर्भ. इसमें बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं रिचुअल, मतलब आपको कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा काम, एक योग्य जैसा काम किया जाता जिसमें
जिसमें क्या कहते हैं बहुत सारे पंडित मिलके सॉरी एक रिवाज, आई एम वेरी सॉरी, इट्स रिवाज जिसको है, एक रिवाज किया जाता जिसमें बहुत सारे ब्राह्मण्स पुजारी मिलके ये रिवाज करते और उनको रीबर्थ कराते। मतलब इनको है कि कोई भी अगर ऊपर जाति का हो, ब्राह्मण हो, तो अपने आप को क्षत्रिय बना सकता है, या फिर कोई नीची जाति का हो तो ये पूजा पाठ और ये रिवाज करने के बाद, हिरण्य गर्भ रिवाज करने के बाद आपको दोबारा जन्म हुआ होता है ऐसे कहा जाता था, और ये दोबारा जन्म के बाद आप एक क्षत्रिय रूलर बन सकते थे। तो यहाँ पे यही चीज हुआ कि चालुक्या का सबसे बड़ा सबॉर्डिनेट थे राष्ट्रकूटा, वो हिरण्यगर्भ रिचुअल करने के बाद वो अपने आप को क्षत्रिय बनाया, और क्षत्रिय बनाने के बाद वो एक पूरा जगह संभालने लगा, राष्ट्रकूटा का पूरा जगह संभालने लगा। इन अदर केस मेंस मेन वर एंटरप्राइजिंग फैमिलीज अंडर द मिलिट्री स्किल टू कार्व आउट किंगडम्स। फॉर इंस्टेंस द कदम्बा महेश्वरम एंड द गुजारा एंड द प्रतिहारा हरिचंद्र एंड द ब्राह्मणास हु गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशन टू टुक आर्म्स एंड सक्सेसफुली एस्टैब्लिशिंग किंगडम्स इन कर्नाटका एंड राजस्थान रेस्पेक्टिवली। बहुत सारे ऐसे जो हम लोग डायनेस्टीज देख रहे हैं, कुछ कुछ डायनेस्टीज जैसे गुजारा प्रतिहारा और हरिचंद्र वेर ब्राह्मण्स। ब्राह्मण क्या, ब्राह्मण के पास पूजा पाठ और वेद उपनिषद का ज्ञान होता था। वो जो ऐसे रिलीजन वो ऐसे कास्ट के लोग होते थे, सबसे ऊपर कास्ट इसलिए माना जाता था क्योंकि उनके पास नॉलेज होती थी और वो नॉलेज पूरे सृष्टि में बांटते थे। इनफैक्ट किंग्स क्वींस भी आके उनके पास पढ़ लिखते लिखते थे। लेकिन इनको ऐसा था क्योंकि ब्राह्मण को इतना बड़ा डायनेस्टी, इतना बड़ा जगह मिल गया था, तो उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम इसका इस्तेमाल करके हम खुद ही अपना राजा बन जाते हैं, और विदाउट, क्योंकि ब्राह्मण होने से तो वो नहीं कर सकते, तो वो लोग भी ब्राह्मण छोड़ के दे टुक आर्म्स, और वो लोग ने भी अपने आप को क्षत्रिय प्रूव किया, और उसके बाद उन्होंने एक एक करके किंगडम संभाला, स्पेशली इन द प्लेस ऑफ कर्नाटका एंड राजस्थान। सो दीज आर ऑल द थिंग्स, न्यू थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू सी। सो एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, मेनी न्यू किंग्स अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स सच एज महाराजा धीराज, द ग्रेट किंग, ओवरलोड विद किंग्स, त्रिभुवन चक्रवर्तीन, ये बहुत सारे देखो अपने चक्रवर्तीन अशोक सम्राट हम कहते थे, और महाराजा धीराज मतलब महाराजाओं के भी राजा, बहुत बड़े राजा जिसको कहते थे। तो ऐसे बहुत सारे ना टाइटल देने लगे लोग। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स दे ऑफन शेयर्ड पावर विद देयर समानतास एज वेल एज द एसोसिएशन ऑफ द पीजेंट्स ट्रेडर्स एंड ब्राह्मणास। समानता भी रखते थे वो और अपने किंगडम में जो पीजेंट्स होते थे, मतलब जो किसान होते थे, जो व्यापार करते थे, और जो ब्राह्मणास करते थे, उनके साथ भी अपना पावर शेयर करते थे, और अपना कोई भी चीज हो उन सब में इक्वली बांटा जाता था। इन ईच ऑफ द स्टेट्स रिसोर्सेज वेर ऑप्टेड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स दैट इज पीजेंट्स, कैटल कीपर्स, आर्टिसंस हु वेर ऑफन पर्सुएडेड और कंपेल्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस। समटाइम्स दे वेर क्लेम्ड एज रेंट टू अ लॉर्ड हु असर्टेड दैट ही ओन द लैंड। रेवेन्यू वॉज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स। मतलब पीजेंट्स और जो कैटल कीप करते थे, मतलब जो भेड़ बकरी रखते थे, तो उनसे भी सारी चीजें, उनका जो भी प्रोड्यूस होता था वो लिया जाता। एंड जो आर्टिसंस थे, जैसे जो यूटेंसिल्स और बहुत सारे ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, या फिर बहुत सारे आर्टिस्ट थे जो जो भी चीजें बनाते थे, उनसे भी पैसे लिया जाता एज इन रेंट। एंड रेवेन्यू एज अ टैक्स वाज आल्सो कलेक्टेड फ्रॉम द ट्रेडर्स, कि बाहर से कोई व्यापार करने हाँ इस किंगडम में आ रहे हैं तो उसको भी उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। सो दिस सम थिंग्स वेर कॉमन, सम थिंग्स वेर न्यू विच यू आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर। सो Today up to here. Tomorrow we'll do the rest of the chapter. Till then, have a nice day.